आज रामपुर में मतदान चल रहा है, कैसा देख रहे हैं? धांधली चल रही है, मतदान ही चल रहा है। आप अपना थोड़ा, मैं ये कहूँगा कि अपनी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा करेक्ट करें। रामपुर में चुनाव नहीं हो रहा, धांधली हो रही है। उधर से क्या सूचना आ रही है? सूचना ये है, सूचना है, लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। मतदान केंद्र से पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है, मोहल्लों में गलियों में लाठी चार्ज हो रहा है, पर्चियां फाड़ी जा रही हैं। चुनाव कहाँ है? चुनाव है, मैंने तो बहुत पहले से कह रहा है कि सर्टिफिकेट दे दीजिए। बिला वजह सरकारी इतने संसाधन बर्बाद हो रहा है, इतने पुलिस के जवानों की ड्यूटी बर्बाद हो रही है, सरकारी पैसा खराब हो रहा है। BSF के जवान हमारे बहुत दूर दूर से आए हैं, वो बेचारे बूथों के अंदर लगे हुए हैं, वो वोट तब पड़वाएं जब मतदाता बूथ के अंदर दाखिल हो सके, लेकिन उन तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा क्योंकि पुलिस पहले ही रोके ले रही है। वो कह रहे हैं सेफ्टी के लिए पुलिस है, सुरक्षा के लिए किसकी जो ये पुलिस लगी हुई है, किसकी सुरक्षा? बाहर बैठा जनता की सुरक्षा। कौन से रामपुर में आज तक इससे पहले कोई हरकत हुई है? किसकी सुरक्षा जनता से? जितनी अनसेफ रामपुर के लोग रामपुर की पुलिस से हैं, उससे बड़ा खतरा तो कोई हो ही नहीं सकता। जितना उत्पीड़न रामपुर में पुलिस ने किया है, उतना तो शायद हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। किससे सुरक्षा करेंगे? शांतिपूर्ण तरीके से अब तक का मतदान है, 3% हुआ है सुबह से। बस ये भी बहुत हो गया, मुझे तो उम्मीद थी 5 बजे तक 3% होगा। बहुत हो गया 3%, आप गैर मामूली समझ रहे हो? इतने ही पर डांट पड़ जाएगी ऊपर से, फिर 3% हुआ कैसे? आप इधर चले जाइए डिग्री कॉलेज की तरफ, एक बूथ पे 2 वोट पड़े सुबह से अभी तक। 3% बहुत हो गया। मेरे ख्याल से रामपुर को तो पूरे देश में सबसे ज्यादा मतदान के लिए पुरस्कृत करेगा चुनाव आयोग। बहुत वोट पड़ गए, 3% पड़ गए, मुझे नहीं उम्मीद थी, मैंने सोचा 5 बजे तक 3 पड़ेंगे। बूथों पर भी सब शांति व्यवस्था अरे बरकरार है? बूथ पे शांति, देश पूरे शहर में शांति है। ऐसी शांति है कि परिंदा पर नहीं मार सकता, ऐसी शांति है कि परिंदा पर नहीं मार सकता।